कहाँ लेके जा रहा भाई? देखो मैंने कैमरा नहीं ऑन किया हुआ था भाई, वो देख सकते हो यार गाड़ी पूरी एक्सीडेंट हो गई। ठीक है लो भाई दिख रहा होगा लोरो पूरी। स्कूटी वाले अंकल ने यार पूरा सामान ही घर का यहीं पे लोड किया हुआ इस पे। लुक तो आपने देख ली ठीक है, सेक्सी है नहीं है, पूरी मतलब तबाही है भाई। मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी ठीक है, जिस तरीके से मैंने करवाई है ना। अब आप कमेंट करके नीचे जरूर बताना गाइस कि आप लोगों को ये वाली कैसी लगी ठीक है। सो बाकी पूरी भाई मतलब जितनी मैंने करवानी थी मैंने करवा दी, और इस बाइक का खर्चा मैंने आपको बताया ना इतना खर्चा लगा है भाई इस बाइक में ठीक है। कभी भी लाइफ में बाइक को मॉडिफिकेशन मत करवाना उल्टी सीधी, वही प्रॉपर जो इसकी ओरिजिनल मॉडिफिकेशन होती है, देन पार्ट्स वगैरह की कुछ अगर चेंज करवाना चाहते हो वो करवा देना, लेकिन ऐसे उल्ट पटांग ये वगैरह कुछ मत लगाना लाइफ में, नहीं तो बाइक पूरी ख़राब हो जाएगी। मुझे लगता है यहाँ पे रुकना चाहिए और कुछ खाना चाहिए, खाना खा के देन निकलते फिर यहाँ से। खाना शाना हो गया और अब पेट भर के खाना खाया भाई ने ठीक है, सुबह से भूख लगी हुई थी भाई, और अभी पीछे खाना खा के देन अब अपने आगे सफ़र में रहेंगे भाई, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है भाई। और ये बारी हरियाली देखो भाई, आज मौसम पूरा सही है, क्योंकि पिछली बार जैसे ही बारिश थी ना भाई, पिछली बार मेरी इतनी फटी थी ना, ओ आने टाइम इतना हुआ था ना पंगा भाई। जल्दी से 3K करवा दो भाई, देन आपका भाई जल्दी लेके आएगा सॉन्ग ठीक है, सॉन्ग का भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी से जल्दी 3K करवाओ और वीडियो को शेयर मार दिया करो भाई, आगे बहुत ज़्यादा गंदी आने वाली है। जो सुंदरबन टू नौशहरा और आगे जंगल भी आने वाला है वो पूरा का पूरा ख़राब रोड है, मुझे पता है। ये ना हो कहीं बारिश आ जाए और अपनी भाई लग जाए ठीक है। पिछली बार जब मेरी आपने व्लॉग देखा होगा, एक बारी मेरे व्लॉग में ना एक्चुअली में वायरिंग ख़राब हो गई थी जो टैंकी के नीचे थी, सो उसका मैंने जुगाड़ करवाया था। तब मैंने गाड़ी ऐसे ही, मेरी गाड़ी चल नहीं रही थी, तब मैंने ऐसे ही रजौरी लेके गया था और वहाँ से ठीक करवाई थी शोरूम से, वहाँ पर उन्होंने जुगाड़ किया था है नहीं। तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो वाली चीज़ वो था, एक लीड थी, वो लीड बहुत ज़्यादा महंगी थी, 1200 या 1300 की आती थी, देन वो लीड यहाँ से बिल्कुल सस्ती मिलती है कंपनी में से ठीक है। वो लीड भी मैंने नवी डलवा दी, और क्योंकि वायरिंग अगर इसकी वायरिंग आती है कम से कम 12000 की, अगर कुछ भी सीन हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा लाइटें लगवाई हुई थी, अगर वायरिंग के साथ सीन हो जाता ना देन बहुत ज़्यादा मसला हो जाता, कंपनी वाले भी क्या करे। और एक तो सामान पीछे से नहीं आता, एक चीज़ मेरे को डलवानी थी, ये मडगार्ड जो पीछे वाला सा ऊपर हुआ है ठीक है, मगर ये वाला एक चीज़ रहेगी बस, और कुछ नहीं। लेकिन ये भी सही है, अभी मैंने वहाँ से सरदार जी से सर्विस करवाई थी, वो बोल रहे थे कि यार ठीक है तेरा चल जाएगा भाई, कोई चक्कर नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा डलवा लियो। आगे भी अब नेक्स्ट व्लॉग जो आएंगे ना भाई, दासू आने वाले हैं तगड़े, और तगड़े तगड़े व्लॉग आने वाले हैं। बस आप लोग बस वीडियो में प्यार दिखाओ यार, आप प्यार दिखाओगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और आप अगर वीडियो ही जब एक 200 व्यू आएंगे, अगर 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर वाले को, तो बंदा यार वीडियो में थोड़ा तो हैरान होता ही है। अब बंदा सोचता है यार मैंने इतना खर्चा भी किया और देन इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं बंदे को सपोर्ट मिली तो फिर आपको पता ही है। आपको इंस्टाग्राम का नहीं पता, नीचे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ ठीक है, वहाँ पे जाके भाई फॉलो भी नहीं करो, जाके रील्स वगैरह देख लिया करो ठीक है, फॉलो नहीं करना कोई चक्कर नहीं है ठीक है, दिल आया तो कर लेना, नहीं आया तो कोई चक्कर नहीं भाई। स्कूटी वाले अंकल ने यार पूरा सामान ही घर का यहीं पर लोड किया हुआ इस पर, मैंने कैमरा नहीं ऑन किया हुआ था भाई, वो देख सकते हो यार गाड़ी पूरी एक्सीडेंट हो गई ठीक है, लो भाई दिख रहा होगा लोरो पूरी पीछे ना ट्रैक के पीछे घुस गई भाई, और बहुत बुरी हालत कंडीशन होगी ठीक है, देख के चलाते नहीं है लोग ठीक। अब गलती होगी पता है किसकी, छोटी गाड़ी वाली की गलती होती है ठीक है, जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना वो अपना रास्ता नहीं छोड़ती ठीक है, मतलब वो अपनी साइड जो होती है ना वो अपनी साइड नहीं छोड़ती। सो गाइस कुछ सफ़र करने के बाद भाई कुछ ऐसी जगह पर पहुँचे हम लोग ठीक है, और जा रहे भाई, धूप भी है बहुत ज़्यादा, और जितना मैं बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके ना हम पहुँचे, क्योंकि घर वाली साइड बहुत ज़्यादा बारिश होगी है नहीं। तो अपना बैग हम लोगों ने रख दिया गाड़ी में ठीक है, अब गाड़ी भी होगी हमारे साथ भाई ठीक भाई। टेम्पो पे भी लगा हुआ झंडा, हर गाड़ी में झंडा लगा हुआ है, आज हर गाड़ी में झंडा लगा हुआ भाई। एक तो स्ट्रिंग पी के गला सूख गया यार, कहाँ लेके जा रहा भाई, देखो उस साइड से इस साइड लेके जा रहा है। पीछे मैंने आपको बोला था ना कि गलती पता है किसकी होती है, छोटी गाड़ियों वाली की होती है, बड़े गाड़ियों वालों की कोई गलती नहीं होती ठीक है। तो देखो बाजू कितने काले हो गए, मतलब बाजू पूरे काले हो गए भाई, चला चला के बाइक पूरे बाजू काले, उफ उफ धूल। बहुत टाइम के बाद ना भाई
अब निशारा पहुंचने वाले और इतना ज्यादा टाइम लगा ना यहाँ पे, कम से कम 1 घंटा लगा। बहुत ज्यादा जाम लग जाता है यार यहाँ पे, और बहुत ज्यादा गंदी रोड है भाई। अब धीरे धीरे मैं पहुंच गया हूँ, गाड़ी वाला बंदा पीछे, ठीक है, वो बहुत दूर है, उसका कोई पता नहीं है, लेकिन मैं आ गया हूँ। और ये जंगल देखो भाई, क्या तगड़ा मस्त व्यू आ रहा होगा इस टाइम शाम को, है ना, आंखें पूरी लाल होगी, ये पूरी की पूरी लाल, और पूरी धूल आंखों में चली गई है। मैंने आगे से जो मिरर था ऊपर किया हुआ था यार, ऐसे अंदर दम घुटता है यार, इसके अंदर बहुत ज्यादा दम घुटता है सच में। मैंने पहले मूस्टर खींची ना भाई, तबाही, मतलब इतना, आज मैं इसको इतना खींच नहीं रहा क्योंकि आज ही नई सर्विस में, अगर आप गाड़ी को खींचोगे ना देन आपको कोई फायदा नहीं है गाड़ी को सर्विस करवाने का, ठीक है, 1-2 दिन उसको चलने दो, फिर उसके बाद आप चलाना, ठीक है ना, ये हमेशा मेरी बात याद रखना। ये आ गया अनशारे का ब्रिज, ठीक है भाई, पहुंच गया आखिर भाई, थोड़ा ही से अब इससे आगे मुझे लगता है आई थिंक घंटा या आधा घंटा या घंटा लगेगा, ठीक है, इसका काम चल रहा है शायद यहाँ पे। उस दिन इस नदी में इतना पानी था जिस दिन मैं यहाँ से गुजरा था, बहुत ज़्यादा पानी था, है ना। ओ भाई रुका जाए, यहाँ पे नहीं रुकते यार, यहाँ से चलते आगे, रुकते हैं कहीं लगा के आराम से पानी पीते। क्या ये गंदा हुआ, पीछे पक्का बारिश होती होगी, ठीक है, अगर गंदा नहीं हुआ फिर बारिश नहीं होगी। गाड़ी बहुत गर्म हो गई है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म, हो भी क्यों ना यार, अभी तक एक रेस्ट भी नहीं मारी मैंने। गाइस यहाँ पे हुई थी थोड़ी रेस्ट भाई, दरिया देख रहे हो, दरिया पूरा साफ है और मुझे लगता है मौसम भी पूरा सही है भाई, है नहीं, थोड़ा मैंने यहाँ पे रेस्ट किया। ओह भाई, तो जैद भी आगे चला गया है नहीं, वो निकल गया आगे भाई, मैंने तो यहाँ पे रेस्ट किया, उठने का मन नहीं कर रहा था कि यार नहीं गाड़ी को छोड़ दूँ और यहाँ पे रहूँ, अभी पीछे चाय भी बैठ के देन उसके बाद अभी चिंगस क्रॉस किया है, ठीक है, और मौसम हो गया बारिश वाला आप देख सकते हो, ठीक है, और मुझे लगता है आई थिंक पीछे वाली साइड बहुत ज़्यादा बारिश होगी। चलो कोई टेंशन नहीं यार, पिछली बार तो मड़गाड़ नहीं था मेरे पास, देन इस बार कोई चक्कर ही नहीं है भाई, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बारिश में ही चलेंगे, वैसे भी जम्मू वाली साइड बहुत ज़्यादा गर्मी थी, चलो बारिश तो पड़ेगी ऊपर, है नहीं। सो फाइनली गाइस आज की वीडियो थी यहीं तक, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो का लाइक शेयर कमेंट और